तब वो परमात्मा मिलेगा जीते जी। मरने के बाद बच्चा मिलने वाला नहीं है। तुम ये सोचते हो कि मेरे लोग पीछे के चले गए, वो स्वर्ग चले गए, उनकी कोई चिट्ठी पत्री तुम्हारे पास में आई है कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ और तुम यहाँ बैठे हुए हो स्वर्ग के दरवाजे पर और तुमको भी पता नहीं स्वर्ग क्या चीज है। अरे दरवाजे पे बैठे हो, इधर मनुष्य शरीर का दरवाजा, उधर स्वर्ग का दरवाजा, और मनुष्य शरीर में बैठ करके स्वर्ग में नहीं जा सकते हो, तो मरने के बाद पहुंच जाओगे। उनकी तो कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, तुम भी चले आना, तुम भी चले आओगे। और न तुम जानते हो कि मेरे जाने वाले घर के कहाँ गए, उसका पता तुमको नहीं है। इसलिए मनुष्य शरीर के द्वारा अगर तुम पहुंच गए स्वर्ग में तो पहुंच गए, और ऊपर चले गए तो चले गए, और नहीं पहुंचे तो स्वर्ग जाने वाले मरने के बाद नहीं हो। इसलिए खोज करो कि मनुष्य मंदिर है ये असली मंदिर, इसमें घंटे घड़ियाल 2400 घंटे परमात्मा के बज रहे। लेकिन तुम्हारी अगर आंख बंद हो जाए, कान बंद हो जाए, तो बाहर से न तो सुनाई देगा न दिखाई देगा। इसी तरह से तुम्हारी अंदर की दिव्य आंख और दिव्य कान तुम्हारे बंद हो गए तो सुनाई और दिखाई नहीं देता। तुम्हारे अंदर के वो दिव्य आंख और दिव्य कान खुल जाए तो सुनाई देने लगे, दिखाई देने लगे। मंदिर में सच्ची आरती करो तो खुश हो जाएगा, प्रसन्न तुम्हारा हो जाएगा कल्याण। पूजा करो प्रेम के साथ, पूजा कर लो, लेकिन देवता से ये कहो कि मुझे सद्बुद्धि दो कि मनुष्यरूपी मकान में बैठकर मैं अपनी जीवात्मा को जगाऊं और दिव्य नेत्र खोल करके आपका सच्चा दर्शन करूं, ये ठीक। और मांग मांगो कि कोई महात्मा जानने वाले मिल जाए जो वहां तक पहुंचे हो देवी देवताओं के पास और उस परमात्मा के पास, और वो हमको रास्ता बता दे और उनकी कृपा से और दया से रास्ता पा जाए हम आपके पास और भगवान के पास पहुंच जाए। ये देवी देवताओं से गंगा जमुना से प्रार्थना करना चाहिए, और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसी सद्बुद्धि दो कोई पाप कर्म न करे, कोई झूठ न बोले, धोखा न दे, बेईमानी न करे, जितना भी काम करे नेक काम करे, अच्छा काम करे, पुण्य का काम करे, किसी को सताए नहीं, किसी को मारे नहीं, किसी के घर में किसी के खेत में चोरी न करे। ये देवताओं से प्रार्थना आपको गंगा जमुना में स्नान करते हुए करना चाहिए। अब आपको एक मोटी बात बताए, आपको सबके सब यहाँ करता रहे हो। एक महात्मा जी जंगल में चले गए, खेत पकने वाले थे, ये गेहूं और ये सब चना और डो पकने वाली थी, तो पेड़ के नीचे बैठ गए। किसी गांव के लोगों ने देखा कि ये कौन बैठा, तो गांव में खबर दी। गांव के लोग चल करके आए कि भाई आप कौन है, कि भाई हम तो हिसाब करता है, क्या हिसाब करने के लिए आए, कि मुझे किसको चना देना, किसको गेहूं देना, किसको अरहर देना है और किसको कितना मटर देना, ये हम फसल लिखने के लिए आए हैं। फसल लिख लेंगे तो कह लगे आपका हिसाब कब करोगे, कह लगे जब काट कूट करके ले आओगे और जब तुम मार मूट करके गेहूं चना मटर अरहर निकालोगे तो मैं हिसाब करने के लिए आ जाऊंगा, मुझे जिसको जितना देना है उतना ही। तो उन्होंने लिख लिया। तो लोग पूछ रहे कि हमको कितना देना है, 40 मन, 80 मन, 100 मन, 60 मन, सबने लिख लिया, अपना लिख करके लेके चले गए। और जब खेत पका, पकने के बाद सब तो खलिहान में ले गए, तो एक आदमी ने सोचा ये सब झूठी बात है, ये कोई लिखा पढ़ी नहीं करने आता है। उसने क्या काम किया, रात को हसिया लिया, उसके खेत में से 4 गट्ठा गेहूं उसके खेत में से काट करके अपने खलिहान में जमा कर लिया। उसका तो इतना खेती में होता नहीं था और तमाम गेहूं जमा हो गया दूसरे की चोरी करके। तो जब वो आ गए बेचारे खेत काट काट करके खलिहान में ले आए और भूसे को अलग किया, अनाज को अलग, तो महात्मा जी आ गए और बैठ गए। लोग दौड़ पड़े कि महाराज हमको कितना देना तो लिखा था, 40 मन और 80 मन और 60 मन और 100 मन और इतना देना। चोर तो चोरी कर ले आया था, वो आया कह लगे महाराज हमको कितना देना है, कि तुमको 25 मन। कह लगे तोल लीजिए। तो जब तोला गया तो किसी का 25 मन ज्यादा ज्यादा एक दाना नहीं, 60 मन, किसी का 40 मन, किसी का 100 मन, सबका जितना जितना लिख लिया था सबका। चोर बोला अरे महाराज ये मेरे कांटे लगे, मैं रात को कांटों में जंगल में गया तो बमूल के कांटे, बेरियों के कांटे, खून गला,
कि ये पैर फट गए और मैं उसके खेत में से काट करके ले आया, उधर से जो काटी मटर काटी अरहर गेहूं काटा वो किधर चला गया। अरे कह लगे बच्चा ये मेरे पैर में भी ये कांटे लग गए, ये देखिए लगे हुए कांटे। कह लगे आप क्या करते रहे? कह लगे तू काट कर के ले आता था वहां जमा करता था, और मैं यहां से जब चला जाता था घर में तो गट्ठा उठा करके उसमें खेत में पहुंचाया करता, मुझे देना उतना ही है जितना तेरे हिसाब में, और तूने जो ये चोरी की है ये कांटे तेरे लगे और तकलीफ हो रही है तो तेरे ले जा और चोरी की सजा अलग मिलेगी। वो जो तुमने चोरी की है उसकी सजा अलग, और ये कांटे लगे खून निकल जा इसकी सजा। तो कहने का मतलब ये है तुम मन का धन कितना भी खेत काट कर जमीन लेकर ये करके चोरी करके डकैती डाकर रात को छीन करके कितना भी अपना धन घर में ले आओ, लेकिन वो जो हिसाब करता जो कर रहा वो बैठा हुआ वो सब उसके पहुंचा देगा। आपको कुछ मालूम रहेगा आपको, हमें चोरों से पूछा भाई कितना तुमने चोरी की होगी, हमारे पास चोर भी आते साफ कह देते हमने चोरी की, तो कितना कह लगे एक पैसा नहीं रहा सब चला गया। डकैत आए डकैत से पूछा भाई तुमने डकैती डाली तो कितना जीवन में तुमने लूटा होगा, कह लगे कई करोड़ का, गिर गया कह लगे एक पता नहीं हमारा घर का चला गया घर का गया। तो कहने का मतलब कि हिसाब करता बिल्कुल सच्चा है जो पाप का भी हिसाब करता पुण्य का भी करता है ये सब, और उसका ब्याज तो सब आपको देना, तो दूसरे वक्त किसी को नहीं देना। इसलिए ये मनुष्य शरीर अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता, आपकी बार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इस जीवात्मा को इस जड़ से इस शरीर से निकालने के लिए आपको ये दिया गया, और उसने कह दिया है कि मैंने तुमको साफ सुथरा मकान दिया है जैसा आपने दिया वैसे तुमको दे देना, फिर जब वो खड़ा हो जाएगा और तुमने गंदगी भरी तो फिर तुमको मार मार करके इतना मारेगा कि तुम्हारी नस नस को तोड़ देगा, और इतनी पीड़ा होगी कि जलमत मरण दूसरे तो कोई जन्मे मरने में अत्यंत पीड़ा होती है, और उसको निकाल के बाहर करेगा और कहेगा चलो हिसाब कराए, हिसाब करेगा तो तुम्हारा बताएगा देखो इतनी चोरी की इतने जानवर मारे तुमने इतना धोखा दिया इतने बेईमानी की तुमने कोई भी पुण्य नहीं किया अपने जीवन में, और चलो इनको ले जाओ उस नर्क में डालो वहां जाकर के उस जीवन बंद करो इसको, तो बताओ आप क्या करोगे? बोलो आप करोगे क्या? उससे बच जाओगे? इसलिए जिन जिन देवताओं की आप पूजा करते हो उनसे प्रार्थना करो कि हमको ये सद्बुद्धि दो कि हम मतलब ये है कि कोई धोखा किसी को बेईमानी ना करे धोखा ना दे और अच्छे काम करे, सद्बुद्धि रहेगी तो अच्छा काम करो आप, मेहनत का काम करो बच्चों की सेवा आएगा एक सत्कार, और फिर उसके बाद भजन करो कि भजन करने की हमको सद्बुद्धि दीजिए कि कोई महात्मा मिल जाए या आप ही मुझको रास्ता बता दीजिए तो मैं भजन करने लगूं तो महात्मा कोई ना कोई मिल जाएंगे वो रास्ता बता देंगे मनुष्य मंदिर में, तुम फिर भजन सच्चा करना अपनी जीवात्मा से परमात्मा का, तब देखो दिमाग ज्ञान कर चुप हो जाएगा, और यही से बैठ करके रोज स्वर्ग जाओ, रोज रोज वैकुंठ जाओ और वहां ब्रह्मा से मिलो और विष्णु से मिलो और शिव से मिलो, लेकिन आप बाहर से इन चर पाकों से आपको क्या पता है इधर से गए उधर उधर तुम धोखा देने लगे उधर किसी का खेत लूटने लगे किसी को मारपीट करने लगे तो फिर देवता की पूजा क्या हुई? ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा आपको, अमूलक शक्ति दे दिया गया इसलिए इसको बचाओ। अभी तक जो कुछ भी किया है गुनाह अब उनको तो छोड़ दो, अच्छे काम करो अच्छे काम करो, जीवात्मा को जन्म मरण से बचाओ 84 से नरकों से, नहीं तो ये जाने वाली है और मनुष्य शरीर ये खाली होने वाला, ये तो किराए का मकान है। ए बच्चे बच्चियों ये किराए का मकान है, वो ये नहीं देखा गया 2 बरस का है 4 बरस का है 10 का है वो 20 साल का 50 का 100 की पूंजी आपको दी जाती है, जिसकी पूंजी खत्म हुई अगर खड़ा हो जाएगा निकलो उसी वक्त निकाल के, तुमको खेत में रहोगे खेत में बाहर रिश्तेदारी में आ रहे रस्ते में वही पर उसी जगह पर सो रहे हो उसी जगह खा रहे हो पूंजी खत्म हो गई उसे निकाल बात करें बताओ फिर आप क्या ले आए थे अच्छा क्या ले जाओगे बताओ। ये किराए का मकान हमारा भी है हमको भी ये खाली कर दो क्या हम ले जाएंगे हमारा ये भी नहीं जाएगा इसके साथ कुछ और जाएगा
एक सुई की नोक नहीं जाएगी। जब ये नहीं जाएगा वो सामान तो वो पड़ा, ये पड़ा उठा करके उधर जंगल में फूंक देंगे उधर उधर ले जा करके, और न ये सामान मिलेगा और न ये उसे मिलेगा, न ये उसको देख सकता है न सामान उसको देख सकता है। ये भी जड़ है और सामान भी जड़ है। तो फिर चेतन में आप बेचारे चेतन को आपने क्या किया, गड्ढे में डाल दिया। इस चेतन की पूजा तब होगी जब चेतन को जगा लो, जीवात्मा को जगाओ और दरवाजे पर दोनों आंखों के मध्य में जाग जाए, उसकी गंदगी दूर हो जाए, तब फिर तब परमात्मा की पूजा कर तब मिले। सुलभ है, सीधा है, आसान, सब कर सकते हैं, स्त्री बच्चे पुरुष, खेत में खलिहान में घर में सुबह और शाम। तुम एक घंटा समय नहीं निकाल सकते हो 24 घंटे में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, और जी में समय सो करके और खा पी करके बिता रहे, ये धिक्कार है ऐसे जीवन। तो देवी देवताओं से जिनको आप मानते चले आओ उसे प्रार्थना करो कि हमको सद्बुद्धि दीजिए कि हम भौतिक चीजें समझ सके, और फिर अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए कोई ऐसा रास्ता हमको दिखा दीजिए, सुझाव हमको दे दीजिए, तो हम वहां पहुंच जाए, वहां रास्ता पा करके रास्ते से निकल जाए। तब ये जीवात्मा की गति यानी होगी छुटकारा, तब इसको छुटकारा होगा, तब मुक्ति और मोक्ष मिलेगी। नहीं तो परमात्मा क्या कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते, न देवी देवताओं के पास पहुंच सकते हो, न स्वर्ग वैकुंठ में न बंसुरी पा सकते हो। तो ये भटकती रहेगी जीवात्मा, जैसे पशु पक्षियों में वो भी तो जीवात्मा यही है।